ये जो भाई खड़ा ना, ये ब्लैकस्टोन का ओनर है, इसने डेढ़ घंटा हमारा रात को कर दिया खराब। गप्पे शप्पे मारी हमने, चाय बन रही है, चाय पी के जाएंगे। चाय तो हम पीते नहीं है भाई, रात को हम चल रहे हैं तो ठीक है। ओके सर, वेलकम, थैंक्स ब्रो, थैंक्स है। ओके गाइस सारे, थैंक यू सो मच। मम्मी देखना, रोने जैसा मुंह हो रहा है इसका। हां वो तो होता ही है। हैं, उम्मीद से सूट लिया अभी कल डालेगी। अरे नहीं तुम जाओ, क्या आपका दे रहे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप अपने घर में सब ठीक होंगे। तो बस आते हैं, शुरुआत कर रहे हैं, नए ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी गाइस सुनील जी सामान लेने गए, मैं करवा चौथ का वो मटकियाँ वगैरह और वो काजू बादाम ख़त्म हो रहे थे, वो लेने गए हैं। तो सरगी में सब सास वास को देते हैं ना भरे हुए, तो वो लेने गए, ख़त्म होते शॉप पर। तो मैंने कहा गुड मॉर्निंग गाइस को शॉप पर कर दूँ। तो गाइस आज कल मैंने करवा चौथ की मेहंदी लगा लिया, तो कलर देखे कितना प्यारा आया है, एकदम ब्लैकिश आया कलर। और सुनील जी मेरे साथ बहुत लव करते हैं, तो गाइस सब कहते हैं कि जो जिसका मेहंदी का कलर अच्छा आता है वो अपने अपनी वाइफ से, हस्बैंड वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। तो टच वो सुनील जी निशा से बहुत ही लव करते हैं और मैं भी बहुत लव करती हूँ। तो भगवान हमारे साथ, हमारे दोनों का प्यार ऐसे बनाए रखे, हस्बैंड वाइफ का, और कभी जुदा ना हो। तो गाइस आपको भी अगर मेहंदी लगवानी हो तो शिवानी जी नाम है उनका, आपको मैंने अपना लिंक उनका डाल दिया है चैनल में, और आप देख सकते हैं। और अपना फ़ोन नंबर भी उनसे आप बात कर सकते हैं, जो भी रेट पर पूछना हो शिवानी जी से तो वो आपको बता देंगी और सारे आपको गाइड कर देंगी, और आपके घर पे भी आ जाएंगी लगाने के लिए मेहंदी, तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो शिवानी थैंक यू सो मच, कलर बहुत प्यारा आया मेहंदी का, बहुत ही प्यारा कलर आया, ब्लैकिश में आया, जैसे मैं चाहती हूँ कलर वैसे ही आया। तो गाइज अगर आपको भी लगवानी हो तो आप शिवानी जी से फ़ोन करके आप बात करके लगवा सकते हैं। मम्मी के लिए ब्रेकफास्ट में बनाया पोहा और साथ में रोस्टेड मखाने, तो आइए गाइस आप भी हमें मिल लगा ली मेहंदी। हाँ, कर लिया, दवाई खा लिया आपने? हाँ, रोटी वोटी सब खा लिया ना? हाँ। और बताओ, आज वो मेथी ज्यादा, मेथी आलू बहुत टेस्टी बना था। वैसे भी नई सब्जी जब आए ना बड़ी स्वाद, नहीं टेस्टी बना था, चटपटे बने थे और साथ में रायता दे दिया और मजा आ गया। यही हम 8-10 बार मेथी खा लेना तब नहीं स्वाद, तब स्वाद तो बोर हो जाएंगे। आज पापा को भी बड़ी है, चाची पे पड़ेगा, ठीक है। आज मैंने पापा को खा के देखो, पापा करे बड़ी स्वाद है, मेरे आज सब्जी भी स्वाद है कि नहीं, रोटी नहीं, सब्जी स्वाद बनी थी, सामने रहता भी हो गया था ना, टेस्ट आ गया था। तो पापा को रोटी अच्छी लगी, मजा आ गया, कह रहे एक उनको फालतू पैक कर देना मैं खाऊंगा। सही है, सही टेस्टी बनी गया। तुम्हें को शर्म है नहीं यार? एक प्रॉब्लम हो गई मेरा सूट। अरे सोच तो कह रहा हूँ तेरे सूट के बारे में, तो प्रॉब्लम हो गई। शॉपकीपर को फ़ोन करा मैं, कहा सूट हो गया, उसने कहा था उसने मिल कर के दूंगा। अभी आधा घंटा पहले फ़ोन करा, कह रहा भैया सूट मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया मैडम का, कह रहा हमारे यहाँ रश इतना है भाई। मैं कह रहा था चल के आप पहनूंगी, ये तो था। तो मैं कहा भाई मैं डबल पैसे लेके जाऊँगा, मेरी वाइफ ने एक लोटस सब खाता नहीं करा था। तुम मजे ले रहे हो? नहीं मजे, यहाँ मेरी जान सूख रही है। अगर तेरा सूट नहीं मिला फिर क्या करेगी? फिर क्या करेगी? तो गाइस बताओ फिर क्या करेगी? बताओ गाइस कैसे मेरे पति देवा, बताओ मेहंदी मेहंदी मैंने सब लगा लिए, चूड़ी उड़ी सब ले आई हूँ गाइस, नाम की मेहंदी लगा ली सुनील जी के अंदर। मेहंदी तो एक बात है, बढ़िया लगी, तेरा पति बहुत प्यार करता तेरे से, ये तो बात ना। हाँ इतना कोई भी प्यार नहीं करता, इतना तेरा पति प्यार करता है, कितना गाढ़ा रंग आया देख रही है। मैं सूट का क्या हुआ, गाढ़ा रंग आया भाई सूट? अभी वो कह रहा है आधे घंटे में फोन करो फिर मैं आपको बताऊंगा सूट कहाँ है। अभी तो पता नहीं उसने कहाँ रख दिया, उसके टेलर ने कहाँ क्या कर दिया पता ही नहीं है। भाई ये तुम क्या बोल रहे हो, टेंशन हो रही है। हाँ कल क्या पहनेगी तुम निशा, क्या पहनेगी? क्या पहनूंगी पर मैं वर्दी नहीं ऐसे घोर पाऊंगी, मैं बैठी रहूंगी भूखी जब तक सूट नहीं आएगा। कोई बात नहीं अभी मैं करता हूँ। क्या देख रही है बैग में आपके? हेलो, कल संडे है, इसका रिमोट वाली कार ले। हमारी औलाद को तो ना हमारे बाप ने खराब किया, 24 घंटे ये ले, ये कल लेनी है, आज भी तो लेनी है। नहीं नहीं हमारे तो भाई हमारी औलाद को तो हमारे बाप ने खराब किया, 24 घंटे रोज कुछ ना। तो मैं ऐसे करना, औलाद ने खराब, औलाद दादू को दे दो, दादू पालेंगे। दादू तो पाल रहे हैं और कौन पाल रहा है? दादू को दे दो,
दादू तो पालते हैं सुबह शाम खिलौना लेके बस जब वो रोती है जब वो जाते हैं जब वो रोती है तब कैसे संभाल लेते रोज बिगाड़ रखा है हमसे नहीं मांगी खिलौना है दादू से मांगे तब दादू दादू ही पालेंगे उसको ठीक है अब दादू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको पालना किसकी बेटी है आज तो लेना कल लेंगे कल कहाँ बैठे हो आप ये आपकी झोपड़ी है मैं बैठ दूँ उसमें टोकरी है मम्मी ने भी करवा चौथ की मेहंदी लगा ली आज अपने आप खुप्पी से अपनी कह रही है रीत तो करूं दिखा दो पापा को मैं तो यही डालना चाहती वो पीक पे आ गई होती तो मैंने ये काल काली होगी पापा काली कहाँ गया अभी उतरी नहीं है ये काली हो जाएगी रंग आ गया देखो आ गया रंग रंग बहुत जल्दी आता है मेहंदी नहीं है नहीं मत होना उसको चक्कू से घेर लो या वैसे झड़ जाएगी इसको पर ये चिप्स दादी को दे 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 क्या होगा मिर्च लग जाएगी दादी को आपको नहीं लग रही भूत मिर्च है अच्छा दादी कैसे करती है ये मेरे को कहती है ऐसे ना ऐसे है ये परी दादी को खिला दे निशा आज तेरे सूट का तो पोपट हो गया भाई देखना रोने जैसा मुंह हो रहा है इसका वो तो होता ही है उम्मीद से सूट लिया अभी कल डालने की अरे नहीं तुम जाओ क्या आपका दे दे तो गाया जैसा था अभी इसका सूट हुआ नहीं तो शॉपकीपर ने कहा था रात को 12 बजे आना मैं तब तक करवा दूंगा तो 12 बज चुके हैं तो मैं लेके जाता हूँ इसको देखता हूँ शॉप खुली हुई है नहीं बंद है वो तो कहता मेरी शॉप आज 2 बजे तक खुली है चलते अब तो चलते हैं एक बार चल के देख लेते दुकान खुली है नहीं खुली तो चल के ले ना लिया होता वो मंजूर था मन को तसल्ली होती भी लिया नहीं सही बात अब लेने के बाद पैसे खर्च करने के बाद ना मिले तो उसका ज्यादा होता बल्कि 15 तारीख को 16 तारीख को लिया मम्मी 17, 18, 19, 3, 4 आज चौथा दिन है पांचवा हाँ 15 तारीख को लिया 4 दिन हो गए भगवान का नाम लो और क्या हो गया और जाओ ले चलो चलते हैं अगर बन जाए तो ठीक है नहीं तो निशा तू कल पुराना सूट पहनी हो ले जो लेना ले मिल गई भाई दुकान खुली देख ले कोई नहीं आधा डाउन है पूरा डाउन है शॉप तो खुली है अरे यहाँ तो जन्नत हो रही दिन हो रहा है देख भीड़ कितनी हो रही है देख यहाँ पे तो भाई रात के 12 बजे बज रहे गए तो ये देखो कितनी भीड़ हो रही है देखो बहुत बढ़िया चला चल सूट वाले वो चले तेरा सूट देखे तो ये वाला भी अच्छा लग रहा है वैसे है ना जो हमने लिया वो एक नंबर का है नहीं बढ़िया लग रहा है सूट तो यार हैं नहीं देख ले भैया खाना खा रहे हैं लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि 10-15 मिनट और लगेंगे अरे कर दो यार खाना खा लो खाना खाने के बाद दे दो कोई नहीं यार हैं बीवी घर घुसने नहीं देगी मुझे अभी तो फिलहाल सूट दे दो डिस्काउंट तो जब मिलेगा मिलेगा अभी फिलहाल सूट दे दो करो हम करके आए डिनर निशा देख ले अभी तक तेरा सूट इन्होंने छेड़ा तक नहीं है
मैं जाऊंगा नहीं जब तक तेरा सूट यहाँ रेडी नहीं होगा ना, तब तक मैं जाऊंगा नहीं। ये दीदी बैठी हैं, जब तक ये हमारा सूट देंगे नहीं हम जाएंगे नहीं यहाँ से। दीदी 5 दिन हो गए, देख लो अभी तक आपने छेड़ा तक नहीं सूट हमारा। हम तो कर रहे हैं, देखो बैठे हैं, खाना वाना खा के हम आए हैं, हम तो कर ही रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, कराओ रेडी सूट आपका। अब पूछो, ये जो भाई खड़ा ना, ये ब्लैक स्टोन का ओनर है, इसने 1.5 घंटा हमारा रात को कर दिया खराब। गप्पे शप्पे मारे हमने, चाय बन रही है, चाय पी के जाएंगे। चाय तो हम पीते नहीं है भाई, रात को हम चल रहे हैं तो। ठीक है, ओके सर, वेलकम, थैंक ब्रो, थैंक्स है, ओके गाइस सारे, थैंक यू सो मच, वेलकम सर, वेलकम। अच्छा जी, आप खुश हो? यस। खुश हो के नहीं हो? तो गाइस ये देख रहे हो, ये जो खुशी है ना, इसी खुशी के लिए मैं रात को 2 बजे तक बैठा रहा हूँ उसकी दुकान पे, ब्लैक स्टोन वाले की दुकान पे, कि इसका सूट तैयार करवा दे भाई, इसको कल पहनना है, नहीं तो ये मेरे को रात को सोने नहीं देगी। सिर्फ इसी खुशी के लिए, निशा, इसी खुशी के लिए। तो गाइस सुनील ने बहुत साथ दिया, ऐसे पति सबको मिले, मेरे तो सूट नहीं बना तो सुनील जी वही बैठे हैं मेरे साथ शॉप पे, ब्लैक स्टोर वाले, कह रहे हैं निशा तेरा सूट लेके तभी घर जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, मैं सोऊंगा नहीं, क्योंकि इनको देखो गाइस आप थोड़ा लेट हो गए, मैं सूट के चक्कर में सुबह इनको शॉप भी खोलनी होती है जल्दी, तो हाल का टाइम भी आजकल, सुबह से गोली दे रहा है, सुबह फोन करा उसे 12 बजे, कह रहा शाम को ले लेना, 6 बजे फोन करा, भैया आज बहुत रश है, मैं 12 बजे दूंगा, 12 बजे आके ले जाओ। 12 बजे गया हूँ तो देखा सूट वैसे वैसे पड़ा, अब तो छेड़ा नहीं उसने, स्लिप वैसी लगी। हाँ तो गाय जी, तो हम चले गए, नहीं तो उसका देने का मूड नहीं था, वो तो देता भी निकल, वो तो हाथ जोड़े खड़ा कि मेरे पर रश होता है, मेरे पर समय नहीं है। तो गाइस हम 1.5 घंटा वेटिंग करके आए हैं, अपने सामने करवाया, स्टिच करवाया, उसके बाद मुझे स्टिच मिला, अब मैं लेके आई हूँ घर, तो अब मैं सब पैक करके उन सुनील ने से मैं रख दिया, मैंने सुबह पहनूंगी फिर आपको दिखाऊंगी गाइस, तो आप बताइएगा कल लुक मेरा कैसा लग रहा। तो गाइस आज के लिए सिर्फ ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग में, सुबह निशा को जल्दी उठना भी है और तैयारी भी करनी है, और बस सुनील जी हाँ एक बात पूछनी आपसे। हाँ पूछो। सुबह मैं 4 बजे उठूंगी तो आशीर्वाद लूंगी आपसे, आप सोएगे तो मैं कैसे आपकी, तो मेरा सोते सोते आशीर्वाद ले ले। एक काम कर, अभी अभी ले ले आशीर्वाद, मैंने गाइस को अभी मैंने आशीर्वाद दे दिए। गाइस कितनी एडवांस बुकिंग में चलते हैं मेरे हस्बैंड, अभी मेरी नींद मत खराब करियो तेरे चक्कर में, देख 2 बजे मैं वहां से आया हूँ, मेरे को अब नींद आ रही, सोने दे, अब मेरा आशीर्वाद तू ले ले, मेरा आशीर्वाद जिंदगी भर रहेगा, तू चिंता मत कर, मैं अगर मर भी गया ना तब भी मेरा आशीर्वाद तेरे सर पे रहेगा, ऐसा मत बोलो, मरे आपके दुश्मन, मतलब मेरे जाने के बाद भी मेरा आशीर्वाद रहेगा तेरे, तू चिंता ना कर। तो गाइस इसी तरह आज का ब्लॉग खत्म करते हैं, मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग में, कल का करवा चौथ का ब्लॉग है, मिस मत करना, बड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा, और गाइस हैप्पी करवा चौथ आप सबको, जो जो हमारी वीडियो देख रहे हैं आप सबको हैप्पी करवा चौथ, तो ज्यादा व्यूज बढ़ा देना क्योंकि करवा चौथ है निशा और सुनील का। सुनील जी व्रत रखोगे आप? कहेगी तो रख लेंगे भाई, तेरी बात हम टालते तो नहीं, तू कहेगी तो रख लेंगे, आपसे भूख बर्दाश्त हो गए, कोई बात रख लेंगे, एक दिन अपनी बीवी के लिए रख लेंगे, जब बीवी मालिक कर सकते हम भी कर सकते हैं, चलो ठीक है, ओके गाइस आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, तो मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग में, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे व्यूज दीजिए, और जल्दी से आप इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए और फेसबुक को फॉलो कीजिए, बाय बाय।